रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए हमें दो चीजों को देखना है, एक तो कौन रिलेटेड पार्टी है और दूसरा हमें देखना कौन से ट्रांजैक्शन से। तो जो मैंने आपको बताया था ना कॉम्प्लिकेटेड पार्ट जो है, वो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ये कि कहाँ अप्रूवल लेना है, कहाँ नहीं लेना है, किधर अप्रूवल लेना है, किधर नहीं लेना, तो ये सारे पॉइंट्स आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप जो ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो क्या वो सेक्शन 188 के अंदर स्पेसिफाइड है क्या। अगर है तो ही वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन भले ही आप रिलेटेड पार्टी के साथ करो पर वो ट्रांजैक्शन आरपीटी नहीं होगा। जैसे कि एक क्लासिक एग्जाम्पल, अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी को अपनी कंपनी के होल्डिंग कंपनी के अंदर अपॉइंट करते हो और उसका जो सैलरी है वो सैलरी 2.5 लाख से ऊपर हो, किसी भी अमाउंट का हो, वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। अब अगर आप यहाँ पे आगे देखो तो एप्लीकेबिलिटी कहां पर आता है, तो जो जो ट्रांजैक्शंस आपको सेक्शन 188 के अंदर दिए हुए हैं फ्रॉम सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए टू क्लॉज जी, सिर्फ वो जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस यहाँ पर आपको बताए, तो वो ट्रांजैक्शंस मैं आपको बता देता हूँ अलोंग विद द लिमिट्स। तो सबसे पहले आपके पास ये चार्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, दैट इफ देयर इज अ सेल और देयर इज अ परचेज और देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और मटेरियल्स, एक ट्रांजैक्शन आपके पास ये है, इसके लिए आपको लिमिट दिया गया है 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, ये आपके लिए यहाँ पर आ जाएगा। दूसरा ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपके पास क्या है, सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ और बाइंग द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, इसके लिए क्या लिमिट है 10% और मोर ऑफ द नेटवर्थ, ठीक है। तो ये आपके पास दूसरा ट्रांजैक्शन है, उसके लिए ये लिमिट। तीसरा आता है इफ यू आर लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, ठीक है, जो हो गया आपके लिए 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, ये आपका तीसरा ट्रांजैक्शन है। फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया जिसमें आपके पास आ रहा है अवेलिंग और रेंडरिंग ऑफ एनी सर्विसेज, और इसमें अगर आप देखो तो आपके पास लिमिटेड 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, ये आपको ध्यान रखना, ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होंगे एग्जाम के अंदर लिमिट्स में। फिर आता है बेसिकली फॉर द अपॉइंटमेंट, राइट, द अपॉइंटमेंट ऑफ द एजेंट फॉर अबव, चाहे परचेजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, मटेरियल हो गया, डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, लीजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी हो गया, रेंडरिंग ऑफ द सर्विसेज हो गया, इन सब के लिए अगर आप किसी एक एजेंट को अपॉइंट कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट क्या हो जाएगा 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर, ये आपके लिए लिमिट होगा। फिर नेक्स्ट आपके पास जो ट्रांजैक्शन है जो यहाँ पर कवर होता है, ये आपका ट्रांजैक्शन कवर होता है कि अगर आप किसी रिलेटेड पार्टी को अपॉइंट कर रहे हो इन दी ऑफिस, ठीक है, इफ यू आर अपॉइंटिंग द रिलेटेड पार्टी और द रिलेटेड पार्टी अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस ऑफ द कंपनी और द सब्सिडरी कंपनी और द एसोसिएट कंपनी, ठीक है, कहीं पर भी। अच्छा, इसके लिए क्या लिमिट दिया हुआ है कि अगर उस इंसान का मंथली रेम्यूनरेशन जो है वो है इक्वल टू या मोर देन 2,50,000 रुपीज पर मंथ, अगर 2.5 लाख रुपए के अंदर अंदर आप किसी को अपॉइंट कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर वो इंसान 2.5 लाख से ज्यादा का रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर रहा है एक महीने का, ठीक है ना, ये लिमिट्स आप ध्यान रखना, ये एक महीने का है, अगर ऐसा होगा तो फिर इन दैट केस ये आपके लिए लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट आपके पास यहाँ पे आता है वो अगर आप किसी को अंडरराइटर अपॉइंट करते हो, सो नेक्स्ट इज फॉर द अंडरराइटिंग एंगेजमेंट, और अंडरराइटिंग एंगेजमेंट में यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1% ऑफ द नेटवर्थ, ये आपके लिमिट्स हैं। तो ये आपको ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जो जो ट्रांजैक्शंस आपको सेक्शन 188 के अंदर दिए हुए हैं फ्रॉम सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए टू क्लॉज जी, सिर्फ वो, इसके अलावा आपको ये देखना है कि वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और आर्म्स लेंथ बेसिस पे होना चाहिए, अगर है तो अगेन देयर इज नो प्रॉब्लम। फिर हमने देखा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो आपका कंसेंट होगा वो भी आपको हमेशा लेना है, लेकिन अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में और आर्म्स लेंथ बेसिस पे ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको बीओडी के अप्रूवल की भी जरूरत
नहीं पड़ेगी। फिर अगर आप यहाँ पर देखो तो जो बीओडी का अप्रूवल आप लोगे वो आप मीटिंग के अंदर ही लोगे, किसी और तरीके से आप बीओडी का कंसेंट नहीं ले सकते। दिस कंसेंट हैज टू बी टेकन इन द बोर्ड मीटिंग इटसेल्फ। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आपके पास आता है कि शेयर होल्डर का अप्रूवल आप ले रहे हो एंड इफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इट एक्सीड्स द थ्रेशोल्ड ओनली देन यू विल रिक्वायर द शेयर होल्डर अप्रूवल, अदरवाइज यू डोंट रिक्वायर द शेयर होल्डर अप्रूवल। नाउ द शेयर होल्डर अप्रूवल विल नॉट बी एप्लीकेबल अगर एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो रहा है किसके बीच में, होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी के बीच में। सो इफ यू रिमेम्बर हमने जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का मतलब रिलेटेड पार्टी का डेफिनेशन देखा था तो उसमें याद है होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनी, तो वो भी तो एक रिलेटेड पार्टी हुआ ना। तो अगर आप होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के बीच में ट्रांजेक्शन कर रहे हो सो दैट्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, बट फॉर दैट यू डोंट रिक्वायर अ शेयर होल्डर अप्रूवल। बट ये जो होल्डिंग सब्सिडरी के अकाउंट है ये कंसोलिडेट होने चाहिए। और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो उसके अंदर जो मेंबर है जो रिलेटेड पार्टी है दैट मेंबर शुड नॉट वोट बट आपके पास दो एक्सेप्शन है, ठीक है। ये दो एक्सेप्शन आपके पास यहां पर तैयार होके आते हैं तो इन दोनों केस में देयर इज नो प्रॉब्लम। ये दोनों हो गए आपके एक्सेप्शन। एक्सेप्शन यहां पर वो रिलेटेड पार्टी वोट करेगा और प्राइवेट कंपनी है तो भी वो रिलेटेड पार्टी यहां पर वोट कर देगा। फिर हमने ये एक पूरा चार्ट देखा था, ये चार्ट आप याद रखना कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए कब कौन से अप्रूवल कैसे चाहिए। तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल तो हमेशा ही चाहिए, बीओडी का अप्रूवल चाहिए अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है और अगर वो थ्रेशोल्ड लिमिट होता है या आर्म्स लेंथ बेसिस पे नहीं है तो आपको मेंबर से अप्रूवल लेना है। या तो आप मेंबर से पहले अप्रूवल ले लो या फिर आप उसको रेटिफाई कर लो। अब क्योंकि हम ये चार्ट पढ़ चुके हैं तो आपको पता है इसको रेटिफाई करवाना होगा। कितने टाइम के अंदर? 3 महीने के अंदर अंदर आपको इसको रेटिफाई करवाना पड़ेगा। तो प्रायर ऑडिट कमेटी अप्रूवल इज रिजिड इररेस्पेक्टिव कि आपका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है, आर्म्स लेंथ बेसिस पे या फिर थ्रेशोल्ड लिमिट में है। अब ऑडिट कमेटी किसके लिए मैंडेटरी है? सिर्फ उन्हीं के लिए ये एप्लीकेबल होगा प्रोविजन। और ऑडिट कमेटी अगर चाहे तो आपको एक ओमनीबस अप्रूवल दे सकता है, इट्स लाइक अ ब्लैंकेट अप्रूवल, ठीक है। इट्स लाइक अ ब्लैंकेट अप्रूवल। और ओमनीबस अप्रूवल जो आपको यहाँ पर मिलेगा ना, ये ओमनीबस अप्रूवल आपको इस तरह से मिल सकता है जैसे कि 10,000 रुपए का, मतलब 10,000 रुपया तो काफी छोटा अमाउंट हो गया। ये जो ब्लैंकेट अप्रूवल आपको मिलता है दिस कैन बी विद रिस्पेक्ट टू द अमाउंट, आपको एक अमाउंट का मिल सकता है कि इतने अमाउंट का ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। आपको ये अप्रूवल जो मिल सकता है ये फॉर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हो सकता है कि इतने ट्रांजेक्शन के लिए आपको अप्रूवल मिला हुआ है, या फिर ये आपको जो भी आपका रिलेटेड पार्टी होगा उसके लिए ओमनीबस अप्रूवल मिलेगा। तो जो भी रहेगा ये आपको मिल जाएगा। ये ओमनीबस अप्रूवल का वैलिडिटी मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है, बट 1 साल से ज्यादा के लिए। ऐसा नहीं होगा कि 5 साल के लिए आपको अप्रूवल दे दिया और अगर इसके अंदर आप वायलेशन करते हो तो सेक्शन 164 के हिसाब से आप डिस्क्वालिफिकेशन को भी अट्रैक्ट यहाँ पर करोगे। बीओडी के कंसेंट के लिए मैंने आपको बताया, सेक्शन 188 के ट्रांजेक्शन का लिमिट्स भी ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड देन रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अगर आपने किया तो आपको इसको मेंशन करना पड़ेगा अपने बोर्ड रिपोर्ट में, प्लस आपको जस्टिफिकेशन देना होगा कि आपने ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ ही क्यों किया। इसके अलावा अगर बिना मेंबर्स के अप्रूवल के या डीओडी के अप्रूवल के आप एंटर कर जाते हो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन विच एक्चुअली रिक्वायर्स अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अप्रूवल, तो आपके पास 3 महीने का टाइम होगा। 3 महीने के अंदर उस ट्रांजैक्शन को आप रेटिफाई करवा लो। अगर आप रेटिफाई करवा लेते हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम, और अगर रेटिफाई नहीं करवाते तो ट्रांजैक्शन बन जाएगा वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द कंपनी एंड जो भी डायरेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा वो यहाँ पर इंडेमनीफाई करेगा लॉस को। अब आप मुझे बताओ क्या आपको ये समझा?